practical, right? A practical based on what? Verification of stock. So what is given? Mrs. Polybag and Company, Mrs. Polybag and Company's financial year ends on 31st March 2014. Financial year end हो रहा है बेटा 31st March 2014. Exam में आपको जो भी year रहेगा वो year दिखाना है. 31st March 18, 31st March 20, 21 जो भी रहेगा वो question के accordingly. ठीक है? So 31st March 14 financial year ending है बेटा. Now what is given? Their actual physical stock. Their actual physical stock as on 31st March 2014 was 6,25,000. अभी देखो ये जो physical stock दिया बेटा, जो verify करके आपको physical stock दिया, their actual physical stock as on 31st March 2014, इधर 14 नहीं लिखा है लेकिन समझ जाने के. So ending में उसका stock था 6,25,000. नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 6,40,000. तो कौन सा लेने का वैल्यू जो कम रहेगा वही. सो 6,25,000 ही आपका वैल्यू आप लोगे बेटा, राइट. सो योर फिजिकल स्टॉक एक्चुअल फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March 2014 वाज कितना बेटा? 6,25,000. बराबर है 6,25,000. मतलब ये केस कौन सा है आपका? थियरी पढ़ाया मैंने ना, तो ये ईयर एंड के बिफोर का केस है ना तो ये ईयर एंड के आफ्टर का केस है. ईयर एंड क्या आपका? देखो इधर 31st March 2014 ये ईयर एंड है. इसके पहले का अगर डेट दिया रहता, समझो ये फिजिकल स्टॉक आपका क्या दिया रहता 22nd March, तो क्या हो जाता? बिफोर. बट ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, सो बिफोर का केस है नहीं. उसके बाद अगर ऐसा दिया रहता क्वेश्चन में देयर एक्चुअल फिजिकल स्टॉक एज ऑन 8th April करके दिया रहता, 8th April, तो ये क्या होता बेटा? आफ्टर का केस हो जाता, आफ्टर. बट ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एक्चुअल फिजिकल स्टॉक कभी का दिया है? 31st March का दिया है, राइट है? ओके चलो. सो ये 31st March का है, गॉट इट? क्लियर? सो 31st March है मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल. ना तो बिफोर का केस है ना तो आफ्टर का केस है, बराबर. चलो तो वो केस में अपने को सम कैसे सॉल्व करना है. चलो सी Following information regarding stocks are available. ठीक है? What बेटा? Following information regarding what stocks are available. So क्या क्या information है? The very first one is what? Goods costing ₹40,000 were damaged badly. Were damaged what? Badly. And it was expected that only 5,000 could be realized. ध्यान देना क्या बोल रहा बेटा इधर. गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वेर डैमेज. डैमेज हो गया मतलब भाई गया ना, खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उतना गुड्स तो आपका निकल गया, राइट. एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 5,000 कुड बी रियलाइज. और एक्सपेक्ट क्या हुआ कि भाई उससे हमको कितना मिल सकता है? 5,000 ही मिल. अभी डैमेज हो गया गुड्स, बराबर है, तो उसको स्क्रैप में दे दो. स्क्रैप में दे दोगे तो कुछ तो मिल जाएगा यार, उस तो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं. सो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्टिंग रुपीस 40,000 था, बट 40 का आपने क्या किया? 5,000 स्क्रैप में डाल दिया, स्क्रैप भंगार में दे दिया, तो ₹5,000 मिल गया ना बेटा. तो एक्चुअल आपका गुड्स का लॉस कितने का हो गया? 35,000. मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितना जा रहा है आपका? 35,000 का. तो ये गया, ये क्या हुआ बेटा? गया. गया तो सीधा क्या करने का? उतना स्टॉक कम हो गया तो माइनस करने का. क्या करने का बेटा? डायरेक्टली माइनस. अब माइनस में देखो पूरा 40,000 माइनस मत करना, ठीक है? डैमेज हो गया, गया तो 40,000 का कॉस्ट गया, तो 40,000 गया तो माइनस करना है. बट 40 में से 5 तो रिकवर भी हो गया ना स्क्रैप से, राइट. सो दैट हैज बीन रिकवर्ड. सो रिकवर्ड जो हो गया उतना माइनस कर दो ना यार, ठीक है? तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आपका गया? एक्चुअल कॉस्ट का लॉस कितना हुआ? 35, 40 minus 5, 35, that's it. तो उतना आपको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है? मतलब लास्ट में फाइनली आपको 31st मार्च पे आपका स्टॉक कितना है, 31st मार्च पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? अभी क्या करते हैं अगर इधर स्क्रैप नहीं होता तो, समझो 5,000 नहीं होता तो 40,000 डैमेज हो गया तो वो माइनस कर देते, दैट्स इट. क्योंकि वो तो था ही नहीं अपने पास, डैमेज हो गया तो गया ना, राइट. बट हियर व्हाट इज गिवन कि 5,000 could be realized.
तो वो 5000 माइनस करने का है, तो 35000 अपना क्या हो जाएगा, अभी 40 में से 5000 रियलाइज हो गया ना, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ डैमेज की वजह से 35000, तो वो 35000 आपको क्या करना है, माइनस करना है, दैट्स इट, ये याद रखना। सो सब लाइक सी सिंपल फंडा है, एवरीवन कीप इट इन योर माइंड, चलो ओके। सो देखा फर्स्ट केस क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो। सीधा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वेयर डैमेज बैडली, तो गया ना स्टॉक डैमेज हो गया मतलब गया, तो माइनस करने का। अब आगे सिर्फ समझो आगे कुछ नहीं दिया रहता, इधर कोई कोई अपना इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो 40,000 माइनस कर दे, बट वो 40 में से 5,000 तो रिकवर हो गया ना, स्क्रैप में दे दिया होगा आपने, तो 5,000 मिल गया, तो 5,000 मिल गया तो उसको हटा दो 5,000, मतलब एक्चुअल कितना हो जाएगा 35, तो 35 माइनस करने का, सिंपल, समझा, मालूम पड़ा। चलो नाउ सेकेंड वन में आ जाओ। चलो देखो नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000, व्हाट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फॉर विच नो कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड टिल 31st March 2014, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स वॉज 30,000। चलो अब बच्चों सुनो, ये केस कौन सा है आपका, दिस केस इज व्हाट, सेल और रिटर्न बेसिस का केस है, विच केस, सेल और रिटर्न बेसिस। अब सुनो, आपने समझो गुड्स सेल किया रिटर्न बेसिस पे, रिटर्न बेसिस बराबर है, मतलब वो सामने वाला पार्टी आपको कभी भी रिटर्न कर सकता है, बराबर है, वो सामने वाला पार्टी आपको कभी भी रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ये सेल और रिटर्न बेसिस है ना, अगर उसको इफेक्टिव नहीं लगा या सम डिफेक्ट्स निकले राइट है, तो वो आपको रिटर्न कर सकता है, या नॉट एज पर सैंपल हुआ तो वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, मालूम पड़ा। जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आएगा ना सामने वाले का, तब तक हम उसको सेल ट्रीट नहीं कर सकते, याद रखना, जब तक सामने वाला कंफर्मेशन नहीं देगा, कंफर्मेशन मतलब क्या, उसने बोल दिया ओके सब बराबर है तो हमारा सेल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा है और सामने वाले का कस्टमर का कंफर्मेशन नहीं आया, देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, सो दैट इज नॉट एज्यूम टू बी अ सेल्स, वो सेल आप एज्यूम नहीं कर सकते। अब सेल होगा तो स्टॉक कम हो जाता है ना बेटा, स्टॉक में से क्या करना, माइनस करना है सेल होगा तो, बट ये तो सेल एज्यूम ही नहीं कर सकते आप, बराबर है, ये सेल एज्यूम कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आया, तो वो आपका ही स्टॉक है, वो किसका स्टॉक है, हमारा ही, समझो ये हमारा ही बुक्स है, वो हमारा ही स्टॉक है बेटा, क्योंकि सामने वो कस्टमर ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स, सो हम उसको सेल एज्यूम नहीं कर सकता बेटा, वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ सेल, समझा, मैंने पैर के दिमाग में रखने का, बिकॉज इट्स अ सेल ऑन विच बेसिस, रिटर्न बेसिस, राइट है, तो सेल और रिटर्न बेसिस में हमेशा याद रखना बेटा, जब तक सामने वाले का कंफर्मेशन नहीं आएगा, टिल द कंफर्मेशन इज रिसीव्ड, तब तक वो स्टॉक किसका है, हमारा, आर्स, हमारी कंपनी का स्टॉक है, तो वही फंडा है इधर, वही फंडा, ध्यान देना, अगर सेल और रिटर्न बेसिस है और कंफर्मेशन नहीं आया, तो दिस स्टॉक इज आर्स ओनली, तो हमारा स्टॉक है, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, अरे भाई इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, प्लस, सो इसको जो 25,000 का कॉस्ट है ना बेटा, उसको प्लस करने का, और ये सेल प्राइस नहीं लेने का इधर, इनवॉइस प्राइस नहीं, कॉस्ट, कभी भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन लेगा तो क्या रहना चाहिए, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, तो वैसे भी इधर आपका जो इनवॉइस वैल्यू है 30 है, ये 25 है, तो कॉमन सी बात है, कॉस्ट ही लेना है, कॉस्ट कम है आपका, सिंपल, समझा, याद रखना। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, थर्ड वन, बराबर है, तो ये 25,000 प्लस करना है, याद रखना, ठीक है, तो फर्स्ट वन में क्या हो गया, फर्स्ट वन में आपका 35,000 था, 40 माइनस 5 35,000, और ये 35,000 क्या करना है, अपना स्टॉक गया ड्यू टू डैमेज हो गया इसलिए, राइट है, वो माइनस करना है, और ये 25,000 आपको प्लस करना है, क्योंकि ये आपका सेल है ही नहीं, ये अभी सेल है ही नहीं, सामने वाले से कंफर्मेशन आया नहीं, तो दिस इज व्हाट योर स्टॉक, तो वो स्टॉक में क्या करने का, एड बैक, एड अप करो यार, समझे,
मालूम पड़ा कि नहीं, याद रखने का, भूलने का नहीं और टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, बिंदास पूछने का, कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी, क्लियर करो डाउट और फ्यूचर बनाओ, करियर बनाओ, समझा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड वन, थर्ड एडजस्टमेंट इज व्हाट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोल रहा बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट से रिलेटेड चैप्टर आएगा बाद में आपको, बाद में मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर। सो गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर बी, किसको भेजा, मिस्टर बी को एट इनवॉइस वैल्यू 120% ऑफ कॉस्ट, जो वैल्यू है 75,000 ऑन 31st March 2014। अब बच्चा ये भी समझो व्हाट इज गिवन इन दिस, देखो क्या बोल रहा है बेटा, अभी आपने गुड्स सेंड किया है ऑन कंसाइनमेंट। पहली बात तो कंसाइनमेंट मतलब होता क्या पता है सबको, नहीं पता तो मैं बताता हूं, कंसाइनमेंट मतलब गुड्स वेर सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब हम देखो वी आर द डीलर्स, हमारी कंपनी है या हम मैन्युफैक्चरर है जो भी है, राइट है। अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते अपना माल बेचने के लिए, पहुंच सकते हैं क्या, नहीं, हर जगह पहुंचना पॉसिबल ही नहीं यार। तो हम हर जगह एक एक एजेंट अपॉइंट कर देते, एजेंट या एजेंसी को बोल देते भाई हमारे बिहाफ पे माल बेचो, हमारे कंपनी का माल बेचो, सेल करो, हम आपको अच्छा खासा कमीशन भी देंगे, अच्छा खासा कमीशन। तो भाई कमीशन पाने के लिए कोई भी काम करेगा, नॉर्मल सी बात है, वो भी एक काम ही है, अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा उनको भी, सामने वाले पार्टी को, कमीशन से ही वो लोग कमा लेते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं बेटा, है कि नहीं। सो आपने समझो गुड सेंड किया, अपना माल भेजा किसको, एजेंसी को, उस एजेंट को बोला कि ये ले भाई मेरा माल ले, ये मेरा गुड्स है, इसको सेल कर, तो जितना सेल करेगा उसके हिसाब से तेरे को कमीशन दूंगा, या जो भी फिक्स कमीशन होगा 2% 3%, जो भी वो डिसाइड हो जाता है पहले, उसका टेंशन है, ठीक है। सो सामने वाले को कमीशन मिलेगा तो बोलेगा ना, हाँ मैं बेचेगा, आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा माल दो, मैं सब माल बेचेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, मालूम पड़ा, कोई भी करेगा ना काम, राइट। सो गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर बी एट इनवॉइस वैल्यू 75,000। तो समझो हमारी कंपनी है, समझो हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी ने मिस्टर बी को माल दे दिया कंसाइनमेंट, ये ले भाई इतना माल बेच, इसके हिसाब से तेरे को कमीशन मिलेगा। अब बी ने बोला ठीक है मैं बेचूंगा, लेकिन अगर बी माल बेचेगा तो कमीशन मिलेगा ना, लेकिन माल बिका ही नहीं तो काय का कमीशन। अरे भाई माल बिका नहीं तो काय का कमीशन, वो स्टॉक तो हमारा ही रहेगा ना, दैट इज आवर स्टॉक, वो स्टॉक किसका है, हमारा स्टॉक है। जब तक वो बेचेगा नहीं, जब तक वो बेचेगा नहीं, अनसोल्ड रहेगा, तब तक वो स्टॉक तो हमारा ही है ना यार। अभी वो नहीं बिका, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो हमको रिटर्न कर देगा, बोलेगा सर ये लो आपका माल बिक ही नहीं रहा है, क्या करोगे, राइट है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, ठीक है, कि अगर जब तक वो एजेंट के पास माल है, जब तक वो माल बिका नहीं, तब तक वो स्टॉक किसका है, हमारा है, क्योंकि हमने ही माल भेजा है ना उसको। तो अगर हम माल भेज रहे तो हमको बोलते हैं कंजाइनर, हमारी कंपनी एक तरह से क्या हो गई, कंजाइनर, और वो जो सामने वाला पार्टी है एजेंट उसको बोलते हैं कंजाइनिंग। ये कंसेप्ट आपको आगे बढ़ाऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो, आगे मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका चैप्टर ही आएगा कंजाइनमेंट करके, ठीक है, कंजाइनमेंट अकाउंट। सो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब तक वो एजेंट ने माल सोल्ड नहीं किया, गुड सोल्ड नहीं किया, बराबर है, जब तक उस एजेंट ने गुड सोल्ड नहीं किया, तब तक वो स्टॉक किसका है, हमारा, राइट है। तो हमारा स्टॉक है, तो हमारा स्टॉक है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे ना, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक विल इंक्रीज, सिंपल यार, बराबर है कि ना, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्लस करने का। तो देखो गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर बी एट इनवॉइस वैल्यू ऑन 31st March 2014। अब बोलोगे सर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है कि उसने सेल करा कि नहीं करा, मतलब वो एजेंट ने, बेटा कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाने का ना, गुड्स आपने कंसाइनमेंट पे भेजा, बराबर है, मतलब अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, मतलब सेल नहीं हुआ रहेगा, दैट्स इट, बराबर है। तो गुड्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कभी भी याद रखो, गुड्स आपने कंसाइनमेंट पे भेजा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया इधर, तो वो आपका ही स्टॉक है, दैट इज वॉट योर स्टॉक, बराबर है। जब तक वो सेल नहीं हो जाता है, एजेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता, भाई सब सेल हो गया, एवरीथिंग
पूरा अकाउंट सेल्स का वो नोट नहीं देता जब तक कि भाई जब तक नहीं सेल हो गया तब तक वो स्टॉक किसका है, हमारा है, दैट इज आवर स्टॉक, राइट है। जब सेल हो जाएगा ना तो अकाउंट सेल्स करके एक वो इनवॉइस देगा, एक नोट देगा, बराबर है। देखो सेल हो गया है, देखो देखो आपका सेल हो गया है और इतना कमीशन मैंने डिडक्ट कर लिया है, सब देगा कमीशन एक्सपेंसेस जो भी है, राइट। तो फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट किसका स्टॉक है याद रखना, हमारा। तो हमारा स्टॉक है तो आर स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज होगा तो क्या करना है बेटा, प्लस करना है, बराबर है प्लस। अब बात ये आती है, क्या बात आती है बेटा, व्हाट्स द क्वेश्चन अराइजेस, ये इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू बोल रहा है 75,000। तो इनवॉइस वैल्यू अगर 75,000 है, हम लोग जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो क्या लेते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस दिया तो इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेने का बेटा। कैसे कन्वर्ट करने का, देखो क्या बोल रहा है, 120% ऑफ कॉस्ट बोला है, इसका मतलब कॉस्ट क्या रहेगा, नॉर्मल मैथ्स है, 120% ऑफ कॉस्ट बोला है मतलब कॉस्ट को क्या लेंगे 100, सिंपल। इनवॉइस वैल्यू कितना बोल रहा है सीधा 120, इनवॉइस वैल्यू क्या बोल रहा है 120, सो इनवॉइस वैल्यू आईवी मतलब इनवॉइस वैल्यू 120। देखो एकदम सिंपल है, 120% ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को क्या एज्यूम करने का, नॉर्मल मैथ्स है, कॉस्ट विल बी एज्यूम्ड एज 100 और इनवॉइस वैल्यू तो बोल रहा है ना 120, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। अब सुनो, अब नॉर्मल मैथ्स में क्या करने का है, ये कॉस्ट है इस टू इनवॉइस वैल्यू, अगर कॉस्ट 100 है तो आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी 120, राइट। इफ कॉस्ट इज 100 योर इनवॉइस वैल्यू इज 120, तो आपको इधर क्या दिया बेटा, इनवॉइस वैल्यू दिया है 75,000, तो इनवॉइस वैल्यू मतलब ये 75,000 दिया है, तो आपका कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, कैलसी लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब 100 × 75 / 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 × 75 / 120, तो आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर, बराबर है। वो जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे अभी, सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर है, यस। किसी को कोई डाउट इसमें, कौन सा सेकंड वाला, ओके सेकंड वाले में देखो सिंपल है, सेकंड वाला बेटा क्या दिया है, सेकंड वाले में गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 वेर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कभी भी याद रखना बेटा, ये अगर वर्ड आया ना सेल और रिटर्न बेसिस, बराबर है, सेल और रिटर्न बेसिस मतलब आपने सेल किया बट वो रिटर्न बेसिस पे है, सामने वाला कभी भी रिटर्न कर सकता है, आपको सामने वाला कभी भी रिटर्न कर सकता है, मतलब वो सेल आप एज्यूम नहीं कर सकते ना बेटा, जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आएगा, जब तक सामने वाले कस्टमर का कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप उसको सेल एज्यूम नहीं कर सकते। तो वही तो बोला है ना इधर, कोई कंफर्मेशन नहीं आया तो सेल का है, का सेल है क्या वो, नहीं, जब सेल होगा तो स्टॉक में से माइनस होगा ना, तो स्टॉक कम होगा ना, बट वो सेल है ही नहीं तो स्टॉक कम नहीं होगा, तो स्टॉक कम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, प्लस करना पड़ेगा, दैट्स इट, क्योंकि वो तो हमारा ही स्टॉक है, तो हमारा ही स्टॉक है इसलिए प्लस कर दो, सिंपल, बराबर है, मालूम पड़ा। अब समझा, सेल और रिटर्न बेसिस हमेशा याद रखना, सेल और रिटर्न बेसिस मतलब वो आपका सेल नहीं है बट आपने क्या किया होगा, ये स्टॉक में से पहले माइनस कर दिया होगा स्टार्टिंग में सेल समझ के, लेकिन वो सेल नहीं है यार, वो सेल और रिटर्न बेसिस है और सामने वाले से कोई कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, देयर इज नो कंफर्मेशन रिसीव, राइट। जब कंफर्मेशन मिला नहीं तो सेल काहेगा, काहे का सेल, वो सेल नहीं होगा बच्चा, राइट है, तो उसको सेल एज्यूम नहीं कर सकते, वो आपका स्टॉक ही हो गया एक तरह से, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का आइटम हो गया कि भाई अपना स्टॉक अभी इतना पड़ा है वो सेल नहीं हुआ है, बराबर है, तो उसको क्या करने का, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देने का, मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा, सिंपल। हाँ, लेकिन अगर वही कंफर्मेशन मिल गया रहता ना, कंफर्मेशन मिल गया रहता तो वो हमारा सेल होता, तो क्या होता, वो हमारा सेल, बराबर है। तो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं मिला है इसलिए हम उसको सेल एज्यूम नहीं करेंगे, बराबर है, सेल और रिटर्न बेसिस में जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो सेल नहीं होता, समझा, मालूम पड़ा। तो कंफर्मेशन नहीं मिला है तो सेल नहीं होगा, इसलिए क्या करना है आपने को, जब सेल नहीं होगा तो अपना स्टॉक कम होगा, क्या कम होगा, सेल होने पे स्टॉक कम होता है ना, जब सेल हुआ ही नहीं तो स्टॉक कम हुआ क्या, नहीं, तो उसको प्लस कर देने का, सिंपल, स्टॉक विल इंक्रीजेस, दैट्स इट, बराबर है, याद रखना। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन पूरा डन हो गया है, बराबर, अब इसको खाली अरेंज करना है। मेन क्या था अपना, ये ऊपर 35,000 आया था, 40 - 5 = 35, ये माइनस करना है, 25 आपका प्लस करना है,
और इधर आपका जो आया था बेटा ये भी प्लस करना है, इसका अमाउंट आपको वर्किंग नोट करूंगा मैं उसके हिसाब से। तो यही है क्वेश्चन बस। अब इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ अरेंज करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2014 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एवरीवन नोस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। बस हो गया खत्म, अब सिर्फ अरेंज करना है। तो चलो अरेंज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कैसे करना है फटाफट कर लो। प्लस वाले देखो, दो आइटम प्लस के एक आइटम माइनस का है, तो आ जाओ डायरेक्टली सॉल्यूशन। सिंपल, कंपनी नेम एट द टॉप, दैट इज मैसेज पॉलीबैक एंड कंपनी। और क्या करना है आपको, स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2014। बेटा 31st March 2014 है मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक ही है ना ये, बराबर है। सो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखो या सिर्फ स्टॉक लिखो, 31st March आया मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही है, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया, नंबर पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करने का क्या आ जा, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक दिया है, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March, एज ऑन व्हाट, 31st March 2014। अब क्वेश्चन में जो आपको फिजिकल स्टॉक दिया है एज ऑन 31st March 2014 वो देखो, तो यू कैन सी हियर हाउ मच इट इज, देखो 31st March 2014 को कितना है बेटा, 625,000। टू वैल्यूज आर गिवन, जो लोअर रहेगा वही लेना है, नॉर्मल सी बात है। तो कॉस्ट प्राइस इज लोअर, 625,000 स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका, 625,000। फिर क्या करना बेटा इसमें, एड एड करना है। अब एड में आपने पूरा क्वेश्चन देखा, दो आइटम अपने को एड करने, एक तो सेल और रिटर्न बेसिस का है, और सेकंड अपना कौन सा, कंसाइनमेंट वाला। तो चलो लेट्स एड इट। सबसे पहले अपने को ऐड करना है कौन सा, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का। सो आ जाओ, सो गुड्स, गुड्स क्या, गुड्स सोल्ड ऑन व्हाट, सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सोल्ड ऑन व्हाट बेटा, सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो आ जाओ, अब इसका अमाउंट कितना है बेटा, देखो सेल और रिटर्न बेसिस, वेयर इज इट, हियर इट इज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 वेयर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, नो कंफर्मेशन आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो अमाउंट कितना, कॉस्ट कितना है 25, इनवॉइस वैल्यू नहीं, कॉस्ट देखना है कितना है 25। अब देख रहे हो ना कौन सा कम है, 25 ही कम है, सो 25 आपका कॉस्ट है, सो 25,000 यू हैव टू टेक इट हियर। सो इनर कॉलम में लिख रहा हूं इसको, ऐसे इनर कॉलम में, क्योंकि एक और आइटम है ना अभी, सेकेंड आइटम, और क्या प्लस करना है आपको, कंसाइनमेंट वाला। ठीक है, सो उसको आप बोल सकते हो गुड्स, क्यों हमने प्लस किया वो कंसाइनमेंट वाला, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि भाई गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट है, तो अभी वो सोल्ड हुआ ही नहीं है, मतलब जो आपने गुड्स सेंड किया है कंसाइनमेंट के लिए, गुड्स सेंड किया वो अभी सोल्ड हुआ ही नहीं है, वो जो एजेंट है उसने अभी सेल नहीं किया, तो वो स्टॉक हमारा ही है, वो स्टॉक किसका है, पॉलीबैक कंपनी, मतलब हमारा, हमारा ही स्टॉक है। सो याद रखना, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट वो क्या है, अभी अनसोल्ड है, जो कंजाइनी के पास स्टॉक है ना, कंजाइनी मतलब एजेंट, एजेंट के पास स्टॉक है वो अभी सेल नहीं हुआ है, तो वो स्टॉक किसका होगा, वो हमारा होगा, क्योंकि हमने स्टॉक दिया ना उसको सेल करने के लिए, जब उसे सेल नहीं किया तो वो हमारा स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना, नॉर्मल सी बात है, बराबर। सो याद रखना वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो गुड्स क्या दिखाना आपको, गुड्स अनसोल्ड, ये पहले ही समझा दिया जब क्वेश्चन कर रहे थे, सॉल्व तभी बता दिया इसमें क्या है, गुड्स अनसोल्ड विथ कंजाइनी। गुड्स अनसोल्ड विथ व्हाट बेटा, कंजाइनी। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा, इसके लिए हम वर्किंग नोट कर रहे थे, वर्किंग नोट नंबर वन। ठीक है, बराबर है, क्योंकि उधर डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया, 75,000 दिया वो इनवॉइस वैल्यू, तो आ जाओ वर्किंग नोट दिखा देते बेटा हम लोग, वर्किंग नोट नंबर वन। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपने को, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस।
चलो तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, मतलब 120% ऑफ कॉस्ट बोला, 120% ऑफ कॉस्ट ऐसा दिया क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट 120% ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट प्राइस है ही नहीं आपके पास, ये देख रहे 120% ऑफ कॉस्ट, देखो इधर 120% ऑफ कॉस्ट, इनवॉइस वैल्यू क्या बोल रहा है, 120% ऑफ कॉस्ट, इनवॉइस वैल्यू आपको दिया बट कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो निकाल सकते हैं ना बेटा हम लोग, देखो इधर 120% ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब क्या, कॉस्ट विल बी टेकन एज 100, 100% कॉस्ट को क्या एज्यूम करोगे 100, और इनवॉइस प्राइस तो आपको पता ही है, इनवॉइस प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस था, इनवॉइस वैल्यू इज 120% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर 100 होगा, कॉस्ट 100% होगा तो इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस वैल्यू इज व्हाट 120%, सिंपल फंडा, बराबर है कि नहीं बेटा, 120% ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को क्या एज्यूम करोगे आप 100, तो इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया 120, चलो अब कैलकुलेशन कर लो, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस वैल्यू, कॉस्ट और इनवॉइस वैल्यू, इफ कॉस्ट इज 100 योर इनवॉइस इज व्हाट 120, तो आपको इनवॉइस प्राइस दिया है 75,000, ये पता है तो आपका कॉस्ट मिल जाएगा बेटा, कैसे निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कैलसी लो सब लोग, 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 120, नॉर्मल मैथ से तो कितना आ जाएगा बोलो, 100 इंटू 75 डिवाइड बाय 120 किया तो कितना आ रहा है, यस 62,500, वेरी गुड बेटा, ठीक है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, वेरी गुड रितेश, परफेक्ट बेटा, राइट 100 इंटू 75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल सिंपल सा मैथ से बच्चों वाला, ठीक है, सो याद रखो 100 इंटू 75 डिवाइड बाय 120 किया तो 62,500, ये 62,500 क्या हो गया अपना कॉस्ट, यस वेरी गुड रौनक, सो दिस इज कॉस्ट, तो बस इधर दिखा दो कॉस्ट में कितना आ रहा है 62,500, कॉस्ट इज व्हाट 62,500, बस वर्किंग नंबर वन हमने इधर दिखा दिया कि वहां से वैल्यू है, चलो दोनों का एडअप कर लो, 25 प्लस 62,500 कितना हो गया 87,500, फिर और तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, अब आ जाओ 625,000 प्लस 87,500 कितना हो गया 712,500, दैट्स इट, ये प्लस के सारे आइटम डन, नाउ अब माइनस में क्या करना बेटा, माइनस में लेस, माइनस में एक ही तो आइटम था वही क्या जो डैमेज हो गया था गुड्स, ठीक है, सो रिडक्शन इन, दिखा देने का इधर, रिडक्शन इन व्हाट वैल्यू ऑफ स्टॉक, देखो मेन आपका क्वेश्चन समझना है, उसके बाद क्या ये तो खाली अरेंज करना है, प्लस 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 जो करना है वो प्लस करने का, जो माइनस करना है दिखा देने का माइनस में, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बैडली डैमेज गुड्स, बैडली डैमेज गुड्स, ठीक है, अब बैडली डैमेज गुड्स में, बैडली डैमेज गुड्स में आपका जो कॉस्ट था बैडली डैमेज गुड्स का वो 40,000 था, बट 5,000 तो आपको स्क्रैप से मिल जाएगा तो वो हटा देना, वो 5,000 माइनस कर देना, तो एक्चुअल आपका रिडक्शन कितना हो जाएगा 35,000, 35,000 का वैल्यू रिड्यूस हो गया, तो उतना स्टॉक कम हो गया, ठीक है, तो 35,000 माइनस करो, माइनस करने के बाद जो बचेगा वही अपना फाइनल स्टॉक होगा, सो दैट विल बी व्हाट आवर फाइनल स्टॉक, कितना आ जाएगा बोलो फाइनल स्टॉक 7,12,500 माइनस 35, चाहिए तो इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ समझने के लिए, तो माइनस किया तो कितना आ रहा है 6,77,500, दैट्स इट, बराबर, और यही हो जाएगा आपका क्या नंबर टू, इसको दिखा देना आप क्या क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका जो आया एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक सब वेरीफाई करने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आया, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2014, that's it, यही हो गया अपना आंसर, वही अपने को फाइंड आउट भी करना था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2014, तो कितना आ गया अपना 6,77,500 का अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है आफ्टर वेरिफिकेशन,
दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा? सब एडजस्ट करने के बाद अपने को मालूम पड़ा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा है, 677,500। अब यही दिखाने का अपना बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट असेट में दिखा देने का, ट्रेडिंग के ट्रेड में आप एडजस्ट कर दो, दैट्स इट, ट्रेडिंग के ट्रेड में दिखा देने का, दैट्स इट। तो वो फिलहाल बनाना नहीं है आपको, सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ही बनाना है, दैट्स इट, गॉट इट क्लियर? तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना सब लोग।